हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे स्टडी ऑफ एनोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। पहले ये दो टॉपिक हम डिस्कस करते हैं। मैं बता देता हूं आपको, पहले हमने जो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था वो किया था हमने डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, इट मींस डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। आज जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा वो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन है। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के लिए जो क्रेडिट दिया जाता है वो मेनली ई गोल्डस्टीन को दिया जाता है। गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया। वैसे इसकी डिस्कवरी में जो रोल है वो रदरफोर्ड का भी, उसी ने अपने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में बताया था कि न्यूक्लियस के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज होता है। लेकिन जब भी डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की बात आएगी तो हम गोल्डस्टीन को बोलेंगे। इसमें स्टडी ऑफ एनोड रेज, देखो कैसे एक आइडिया आया कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद कि प्रोटॉन भी होता है उसके अंदर, तो इसके लिए जो आइडिया आया, देखो हमें पता है एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है एटम पे। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो चुकी थी तो इसका मतलब क्या है, नेगेटिव चार्ज एटम के अंदर है। अगर नेगेटिव है तो फिर वो न्यूट्रल कैसे होगा? सिर्फ एक ही कंडीशन में हो सकता है कि एटम के अंदर अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी होगा, और वो उतना ही होगा जितना नेगेटिव चार्ज है। हम समझ सकते हैं नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज अगर इक्वल होंगे तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो एटम न्यूट्रल हो जाएगा। तो यहां से एक आइडिया मिला था। तो क्या है, एज एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बट आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ नेगेटिव चार्ज इट वॉज थॉट दैट सम पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मस्ट बी देयर। कि अगर नेगेटिव चार्ज है एटम के अंदर और एटम फिर भी न्यूट्रल है तो इसका मतलब उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी है। मैंने यहां पे मेंशन किया इक्वल टू नेगेटिव चार्ज। गोल्डस्टीन इन 1886 परफॉर्म ए डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। मैंने डायग्राम मेंशन नहीं किया है, वो पहले हमने जो डायग्राम्स बनाए थे सेम ऐसे ही डायग्राम है। गोल्डस्टीन ने 1886 में डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, वो ही किया लो प्रेशर पे, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस है। ऑन पासिंग हाई वोल्टेज ही फाउंड सम रेज। उसने जब हाई वोल्टेज पास किया तो उसने कुछ रेज को नोटिस किया कमिंग फ्रॉम साइड ऑफ एनोड। पहले जो एक्सपेरिमेंट हमने किया था कैथोड रेज में, उसमें जो रेज आ रही थी वो कैथोड की तरफ से आ रही थी। अब की बार उसने क्या नोटिस किया है गोल्डस्टीन ने कि एनोड की तरफ से, फ्रॉम साइड ऑफ एनोड एंड पास थ्रू द होल इन कैथोड। अब की बार जो कैथोड यूज की गई है वो परफोरेटेड है, जैसे हमने पहले एक्सपेरिमेंट में की थी जब साइड वो बनी थी, फ्लोरिसेंस हुआ था, ग्रीनिश ग्लो दिखाई दिया था। पास थ्रू होल्स इन कैथोड एंड प्रोड्यूस ए ग्रीन फ्लोरिसेंस ऑन द अपोजिट ग्लास वॉल। और कैथोड को पास करके और ग्लास वॉल पे एक ग्रीनिश फ्लोरिसेंस, फ्लोरिसेंस मीन्स एज ए चमक, वहां पे शो हुई। और जो ग्लास वॉल थी उसको कोटेड किया गया था जिंक सल्फाइड ZnS, एक इससे स्क्रीन बना दी गई थी इसकी। और इन रेज को जो बोला गया वो एनोड रेज, मींस डिस्चार्ज ट्यूब में जब हाई वोल्टेज करंट पास किया तो कुछ रेज दिखाई दी जो एनोड की तरफ से आकर कैथोड की तरफ जा रही थी। और कैथोड अब की बार परफोरेटेड यूज की है तो इसका मतलब क्या है, उससे पार होके फिर उन्होंने क्या प्रोड्यूस किया, ग्रीनिश फ्लोरिसेंस। अब ओरिजिन ऑफ एनोड रेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो एनोड रेज जिनको बोला है वो ओरिजिनेट कहां से हुई है, ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि वो एनोड में से ही निकल रही है। इट इज बिलीव्ड दैट, ऐसा माना गया, प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ द नॉक ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द गैसियस एटम्स बाय द बॉम्बार्डमेंट ऑफ हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स।
इससे पहले एक्सपेरिमेंट में जब कैथोड रे को हमने स्टडी किया था तो कैथोड में से जो कैथोड मटेरियल था उसमें से क्या निकले, कैथोड रेज मीन्स इलेक्ट्रॉन निकले, वो बहुत स्पीड से निकले। तो माना ये कैथोड और ये एनोड, में पहले एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा हूं, इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के इधर आ रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्चार्ज ट्यूब में लगी हुई है दोनों के बीच में जो गैस है इसमें से जो कैथोड रेज निकली मीन्स इलेक्ट्रॉन निकले बहुत स्पीड से, जो इनके बीच में गैस है गैस के मॉलिक्यूल्स पर वो इलेक्ट्रॉन हाई स्पीड से टकराए, टकराने से वो जो गैस है उसके एटम टूट गए और उनमें से भी इलेक्ट्रॉन निकले, मीन्स नेगेटिव चार्ज उनमें से भी निकला था तब पहले और पॉजिटिव चार्ज भी निकला उनमें से। तो जो इलेक्ट्रॉन थे कैथोड से उसने गैसियस पार्टिकल्स जो डिस्चार्ज ट्यूब में उन पर हाई स्पीड से जो बम्बार्डमेंट हुई तो गैसियस पार्टिकल टूट गए और उनमें से क्या निकला, ये पॉजिटिव जो पार्टिकल है ये निकला और ये फिर किधर की तरफ मूव कर रहे थे, एनोड से कैथोड की तरफ ये कर रहे थे। तो इनको क्या बोला गया, एनोड रेज। मैंने लिखा हुआ प्रोड्यूस्ड इन स्पेस बिटवीन एनोड एंड कैथोड, हर एक जो वर्ड है सिलेक्टेड लिखा हुआ है और हर एक की हर एक का कुछ ना कुछ मीनिंग है तो आपको पूछ लेना है। प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड मैंने यहां पे एक्सप्लेन नहीं किया है, वही सारी चीजें हैं जो कैथोड रेज के केस में थी आप समझ सकते हो। फर्स्ट प्रॉपर्टी है दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब क्या क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करने का मतलब है अगर उनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है तो उनने जो एनोड रेज उन्होंने उसकी शैडो बना दी है, लेकिन इनकी स्पीड उतनी नहीं है जितनी कैथोड रेज की थी, कम है उसे। दे आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल, ये किसकी बनी है, मटेरियल पार्टिकल की बनी हुई है। दे आर पॉजिटिवली चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज कैसे प्रूव किया, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया डिस्चार्ज ट्यूब के पास तो ये जो रेज थी मीन्स एनोड रेज ये इलेक्ट्रिकल जो फील्ड है उसके नेगेटिव एंड की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई, तो इसका मतलब इन पर कैसा चार्ज प्रूव हुआ, पॉजिटिव चार्ज। और मैग्नेटिक फील्ड में उसी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होती है जो इंडिकेट करती है पॉजिटिव एंड को, पॉजिटिव चार्ज को। द चार्ज मास रेशियो फॉर ईच पार्टिकल इज फाउंड टू, जो चार्ज मास का रेशियो इनका निकाला कितना मिला, 9.58 × 10⁴ कूलाम्स पर ग्राम। तो इससे फिर इस पर प्रोटॉन पर जो चार्ज देखा गया 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम्स, ये ध्यान रखना है उतना ही चार्ज है, इसको वन यूनिट चार्ज बोलते हैं, ये उतना ही चार्ज है जितना इलेक्ट्रॉन पे था, बस वहां पर ये वन यूनिट नेगेटिव था ये यहां पे वन यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। एंड मास ऑफ प्रोटॉन 1.6 × 10⁻²⁴ ग्राम, इट इज नियरली सेम एज मास ऑफ हाइड्रोजन। तो ध्यान रखना है हमें ये प्रॉपर्टीज और इनमें कुछ ये भी हमने मेंशन किया हुआ है। तो बहुत आसानी से हमें एनोड रेज के बारे में पता लगा और एनोड रेज में पॉजिटिव चार्ज था, मीन्स एनोड रेज किसकी थी, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स की रेज थी और उन पार्टिकल्स को क्या नाम दे दिया गया है, प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी फाइनल, कि एटम कैसा होता है न्यूट्रल, नेगेटिव चार्ज की डिस्कवरी हुई तो उतने ही किसकी डिस्कवरी हो गई, पॉजिटिव की, तभी वो न्यूट्रल हुआ। अब देखो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की बात आती है, न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था चैडविक ने 1932 के अंदर, और कैसे आइडिया आया कि एक न्यूट्रॉन मीन्स इस पर कोई चार्ज नहीं होता न्यूट्रल पार्टिकल, कैसे आइडिया आया कि एटम के अंदर एक न्यूट्रल पार्टिकल्स भी होते हैं। देखो एटॉमिक जो नंबर है वो कहां से आता है, एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन से आता है, प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं जनरली। पहले न्यूट्रॉन के बारे में तो पता नहीं था, जो मास था एटम का उसे कैसे कैलकुलेट करते थे, इलेक्ट्रॉन का तो नेग्लिजिबल होता है, तो उसे मास ऑफ प्रोटॉन, जितने प्रोटॉन हैं एटम के न्यूक्लियस के अंदर उतना ही मास मान के चलते थे। लेकिन जब एक्चुअल मास देखा जाता था तो एक्चुअल मास ज्यादा था, मीन्स प्रोटॉन के हिसाब से जो कैलकुलेट होता था मास वो कम आता था देन रियल मास। तो आइडिया आया कि प्रोटॉन के अलावा भी एटम के न्यूक्लियस में, मीन्स एटम में, अभी मैं ये कहकर चल रहा हूं एटम के अंदर प्रोटॉन के अलावा भी कोई और पार्टिकल है,
लेकिन उन पर कोई चार्ज नहीं है। चार्ज नहीं है, इसका आइडिया कैसे आया कि एटम न्यूट्रल होता है। नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज डिस्कवर हो चुके, एटम न्यूट्रल है, लेकिन मास ज्यादा आ रहा है जितना हमें नॉलेज थी मीन्स प्रोटॉन्स के बारे में, उसके अलावा मास ज्यादा आता है। इसका मतलब इसके अंदर कोई और भी पार्टिकल है, लेकिन वो एटम की न्यूट्रलिटी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है, उस पर कोई चार्ज नहीं है। अब देखते हैं, एक बार मैं बताता हूं आपको, इसमें से नोट्स बनाए हैं आपने कि क्या लिखा है। ईच प्रोटोन हैज वन यूनिट मास ऑन एटॉमिक मास स्केल। हमें पता है ये जो एक प्रोटोन पर वन यूनिट जो मास बोल के चलते हैं उसको। सो मास ऑफ एटम वॉज कैलकुलेटेड फ्रॉम द नंबर ऑफ प्रोटोन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटोन प्रेजेंट होते हैं उनसे ही हम जो एटम का मास है उसको कैलकुलेट करते हैं। However, फिर भी फॉर एनी एलिमेंट एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को छोड़कर, क्योंकि उसके अंदर तो एक ही प्रोटोन होता है, जितना उसका मास हो उसका मास हो जाएगा हाइड्रोजन का, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, दिस मास वाज फाउंड टू बी मच लेस देन द एक्चुअल मास ऑफ एटम। जो प्रोटोन से कैलकुलेट मास करते थे वो कम आता था किससे, जो एक्चुअल मास आता था। तो ऐसा क्यों है, तो इसमें एक आइडिया दिया, दिस लीड टू द आइडिया दैट देयर मस्ट बी सम अदर पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। इसने आइडिया दिया कि कुछ और भी पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं या हो सकते हैं जिन पर कोई चार्ज नहीं होता, उनको क्या बोला फिर, जो न्यूट्रल थे एंड शुड हैव कंसिडरेबल मास। कि प्रोटोन के अलावा न्यूक्लियस में कुछ पार्टिकल हो सकते हैं, उन पर कोई चार्ज नहीं है, वो न्यूट्रल है, लेकिन उनका मास जरूर है। चैडविक इन 1932 परफॉर्म सम स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इन विच ही बम्बार्ड सम लाइट एलिमेंट्स लाइक बेरिलियम बोरोन एक्सेट्रा। ये लाइट एलिमेंट्स इनके ऊपर बम्बार्डमेंट की विद फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स। अभी मैं बताऊंगा अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं। कल मैंने इसका जो फोटो भेजा था उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, वो जल्दबाजी में मैंने फोटो खींच लिया था, तुरंत बाद मुझे पता लगा उसका। इसने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया, इसने कुछ लाइट एलिमेंट्स पर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की, उसने क्या पाया, ही फाउंड दैट सम न्यू पार्टिकल्स वर इमिटेड। मीन्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के अलावा कुछ और भी पार्टिकल्स थे जिन पर कोई चार्ज नहीं था। बम्बार्डमेंट की इन एलिमेंट्स के ऊपर, ये लाइट एलिमेंट्स हैं और एक्चुअली इनकी जो एटॉमिक साइज है वो बड़ा होता है, इलेक्ट्रॉन्स लूजली हेल्ड होते हैं और जब बम्बार्डमेंट होती है तो इनके एटम सब एटॉमिक पार्टिकल्स में, मेरा कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में आसानी से टूट जाते हैं, तो इसीलिए इन पर बम्बार्डमेंट की थी। तो उसने क्या देखा कि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के अलावा न्यूट्रल पार्टिकल्स थे जिनको क्या बोला गया, न्यूट्रॉन, और उन न्यूट्रल पार्टिकल का मास किसके बराबर था, प्रोटॉन के बराबर। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी होगी। अल्फा पार्टिकल्स ये अल्फा डिके से बनते हैं रेडियो एक्टिविटी से, और जो अल्फा पार्टिकल होते हैं इनकी ही बम्बार्डमेंट क्यों की जाती है। बहुत सारा आप 11th 12th में बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करोगे, नाम पढ़ोगे अल्फा पार्टिकल का समझ लो इनकी बम्बार्डमेंट क्यों करते हैं। किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से ये निकलते हैं रेडियो एक्टिविटी के प्रोसेस में, ये न्यूक्लियस की अनस्टेबिलिटी की वजह से होते हैं। इतना भी मैं आपको बता देता हूं, हैविंग द डबल चार्ज देन प्रोटोन, प्रोटोन पे कितना चार्ज होता है, पॉजिटिव 1, तो इन पे दुगना होता है, मतलब 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसका जो मास होता है अल्फा पार्टिकल का ये प्रोटॉन से 4 गुना ज्यादा होता है। जैसे HE ये हीलियम 2 एटॉमिक नंबर मास 4, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, समझ रहे हो ना। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन इसने अपने निकाल दिए, निकालने के बाद इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, सिर्फ क्या रह गए हैं प्रोटॉन, कितने 2, इसलिए नेगेटिव चार्ज खत्म, तो प्रोटॉन रह गए 2, तो इसलिए 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया इस पे, और
इसमें दो क्या रह गए प्रोटॉन के साथ, न्यूक्लियस, तो टोटल दो और दो कितने हो गए चार, क्योंकि प्रोटॉन के बराबर होता है लगभग मास, तो मास कितना हो गया चार। तो मैंने ये एग्जांपल इस हिसाब से ये लिखा, इसको बोलते हैं अल्फा पार्टिकल, जरूरी नहीं हीलियम से ही बनते हैं, और भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसमें रेडियो एक्टिविटी के ड्यूरेशन में अल्फा पार्टिकल बनते हैं। आई थिंक उम्मीद है मुझे कि आप समझ गए होंगे, अल्फा पार्टिकल थोड़े हैवी मास वाले होते हैं और जिनकी बम्बार्डमेंट करते हैं तो जो जिस भी एक सरफेस पर स्क्रीन पर बम्बार्डमेंट करते हैं वहां ये अपना इफेक्ट देते हैं, इसलिए इनकी बम्बार्डमेंट करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की नहीं करते क्योंकि उनका मास क्या है नेग्लिजिबल, और हाइड्रोजन मीन्स प्रोटॉन की भी नहीं करते, उसका मास है तो सही लेकिन वो इफेक्ट नहीं दे पाता, इसी वजह से बम्बार्डमेंट हम अल्फा पार्टिकल्स की करते हैं। और अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट से रिलेटेड मैं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में एटॉमिक मॉडल्स करवाऊंगा, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, उसमें आपको पता लगेगा इसका। तो डिस्कवरी ऑफ हमारा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ओवर हो चुका है, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज मीन्स इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हमने पढ़ा, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन इसका मतलब हमने सॉरी डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज पहले हमने प्रोटीन पढ़ा सॉरी प्रोटॉन के बारे में, और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन और इनके कैसे कैसे आइडिया आए माइंड में ये सब आपको पता होना चाहिए। मेन चीज इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, प्रोटॉन का मास कितना होता है, न्यूट्रॉन का चार्ज नहीं होता न्यूट्रल होता है, और इसका मास कितना होता है, ये चार चीजें आपको पता होनी चाहिए। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे नंबर पे पूछ सकते हो। थैंक यू।